अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे। आज बिल्कुल ही डिफरेंट वीडियो है और आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपना ड्रेसिंग टेबल का टूर करा दूँ। इसमें भी काफ़ी कम चीज़ें रखी हैं, स्किन केयर रिलेटेड हैं और कुछ चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरी ड्रेसिंग टेबल में स्किन केयर प्रोडक्ट्स में क्या क्या होता है। यहाँ जो है अभी आधी चीज़ें रखी हैं, आधी नहीं रखी, इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं वो भी शेयर करूँगी। ड्रेसिंग टेबल का मैंने जो डोर है वो ओपन कर दिया है ताकि ईज़िली आप लोग जो है देख सकें। यहाँ से मैं ये ज़रा हटा लूँ, ये पता नहीं क्या है, आई थिंक वो जिसे दांत साफ़ करते हैं वो है, हस्बैंड का है ये रखा हुआ है। अभी ये इतनी ऑर्गेनाइज नहीं हुई हुई, लेकिन यह है कि मैं ये बच्चों के पी वाउचर रखे हुए हैं, तो मैं ये हटा देती हूँ। बाकी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली दिखा देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ पे ये सारी की सारी जो है मेरी हैंड क्रीम कलेक्शन है। और इस पूरी ड्रेसिंग टेबल में आपको आधे से ज़्यादा कह लें जो सामान है वो या तो स्किन केयर प्रोडक्ट होगा या फिर जो है आपको वो क्या कहते हैं ओरिफ्लेम का मिलेगा, या डर्मा शाइन मिलेगा, या फिर म्यूसिन मिलेगा। तो ओरिफ्लेम मुझे बहुत पसंद है तो मैं वो यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ ये ओरिफ्लेम की मेरी तमाम ये हैंड क्रीम कलेक्शन है, सेपरेट वीडियो भी मैं इस पर बनाऊँगी। पीछे जो है डर्मा शाइन की फेशियल किट है, ये उसका टोनर है, और अगर मैं ये दिखाऊँ तो ये जो है स्पार्कल इन पैरिस का जो है बॉडी शिमरिंग लोशन है, इसका भी मैं रिव्यू बना चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरा चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। ये तमाम जो है डर्मा शाइन की फेशियल किट है, ये सन ब्लॉक है डर्मा शाइन का, ये फ्रीमैन के कुछ मास्क हैं, ये देखें ये सारे, इनके भी मैंने रिव्यूज़ दिए हैं अपने चैनल पे। ये ओरिफ्लेम का जो है टोन एलोवेरा का, ओरिफ्लेम का ये फैमिनल है, इसका मैं रिव्यू दूंगी बनाऊंगी, बहुत अच्छा होता है। ये इंटीमेट वॉश है और फीमेल के लिए काफ़ी अच्छा है, हाइजीनिक है, तो मैं आपको बताऊँगी ये फ़ीमेल हाइजीन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ये म्यूसिन ब्रांड का सीरम है, विटामिन सी सीरम, जो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। और यहाँ एक मड मास्क है नेचर का, ये भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ये मेरे इयर रिंग्स रखे हुए हैं, यहाँ नहीं रखना चाहिए था, जगह पर रख दूँगी। ये जो है किड्स जो है वोकाली फ्रूट और वोकाली का किड्स सन केयर है, सन क्रीम है और सनस्क्रीन। ये मिस रोज़ का जो है सेटिंग स्प्रे है, फरसाली का सीरम है। यहाँ ओरिफ्लेम के यहाँ आ जाते हैं तो मैं आपको दिखा दूँगी, ये ओरिफ्लेम का टूथपेस्ट है, इनके भी मैंने रिव्यूज़ दिए हैं। ये तमाम मेरी लिप बाम्स हैं ओरिफ्लेम की जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लव नेचर की रेंज की लिप बाम है, कोकोनट मेलन मैंगो, ये तमाम टेंडर केयर बाम है। ये जो है कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये भी ओरिफ्लेम की हैंड क्रीम है जो बिल्कुल ख़त्म है, तो मैं इसे ऑर्डर करूँगी। ये सॉफ्ट केयर की नेल एंड हैंड क्रीम है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताऊँ इसका भी मैंने रिव्यू दिया है। ये जो है स्किन प्राइमिंग एसेंस है ओरिफ्लेम का, नोव एज की रेंज में से, बहुत अच्छा है। और ये इसका भी मैंने रिव्यू देना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है रिवाज यूके का जो है परफेक्ट कवरेज मिनरल फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छा है, और इसका भी मैं रिव्यू दूंगी। यहाँ पे जो है डे क्रीम नाइट क्रीम है ओरिफ्लेम की, तमाम ऑप्टिमल्स की, तो बहुत अच्छी है। ये ऑप्टिमल का प्यूरिफाइंग जो है बूस्टर है। यहाँ पे मेरी बेटी के जो है प्रोडक्ट्स हैं, पाउडर है, ऑयल है, लोशंस वगैरह हैं, ये तमाम स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, इनके भी मैं रिव्यूज़ दूंगी सेपरेटली। ये जेल है, ये तमाम चीज़ें हैं, ये ब्लशर है, ये जो है ब्रॉन्जिंग पर्ल्स हैं। ये ओरिफ्लेम की क्रीम का जो है जब जार जो है जब क्रीम ख़त्म हो जाती है तो मैं ऐसे कॉटन पैड्स इसमें रख लेती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने ब्रशेस वगैरह रखे हुए हैं। ये शॉवर जेल है स्पार्कल इन पैरिस की। ये ओरिफ्लेम की हैंड एंड मिल्क एंड हनी क्रीम है। ये ऑयल्स हैं वाटिका के, आलमंड ऑयल और डिफरेंट ऑयल्स हैं। ये परफ्यूम्स हैं मेरे, डिफरेंट परफ्यूम्स हैं इसमें। ये भी ओरिफ्लेम का, ये ओरिफ्लेम का है, ये भाई गिफ्ट लाया था, और मेरी बेटी भी आ चुकी है, आपको दिखा दूँ।
अब हाँ बता, ये रात आधी रात हो रही थी और मैं बना रही हूँ वीडियो, बटिया आ गई एनीवेज, तो चलें इनको भी वेलकम करते जी। सुंदर से एक मिनट है, और यहाँ पे पहले मैं अपना मेकअप और अपनी पैलेट्स रखती थी, बट अब आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है। यहाँ डायपर्स हैं, मेरी बेटी के जो डायपर्स हैं वो इसमें होते हैं, जो कि इन्होंने बंद कर दिए। यहाँ नीचे जो है मेरी बेटी के कपड़े वगैरह होते हैं। तो ये तमाम जो तीनों ड्रॉर्स हैं ड्रेसिंग की, वो मैंने बेटी को दे दी अब। और मेरी बेटी जो है उनके कपड़े, उनके डायपर्स इसमें होते हैं, क्योंकि इसने मेरी तमाम जो है चीज़ें ख़राब कर दी और ज़ाया कर दी हैं। मतलब मेरी आधी से ज़्यादा जो लिपस्टिक हैं वो उसने ख़राब कर दी हैं। और अभी ये गंजी हुई थी, उसके बाल। सुंदर साहब सो रही थी, आप क्यों उठ गई? आप मुझे वीडियो नहीं बनाने दोगी? आप वीडियो नहीं बनाने दोगी मुझे? बनाने देंगी ना? मैं वीडियो बना लूँ? ओके गुड, बना लूँ ना सुंदर वीडियो? ये तो पैम्पर हैं, पैम्पर आप छोड़ दो, मैंने दिखा दिया, पैम्पर हैं। आपको पता है रात के इस वक्त बज रहे हैं 1:30। मैंने सोचा, काफ़ी टाइम से सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, बट बना नहीं पाई। तो अभी भी ये उठ के आ गई, हालांकि गहरी नींद सो रही थी, आवाज़ से शायद उठ गई है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है नेचुरल रैंडम वीडियोस बनाना। तो मेरी जो डिफरेंट लिप पैलेट्स और वो है ना, हाँ बेटा, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट और कलेक्शन कैसी लगी। और जी बेटा, और ऐसी और वीडियोस आप चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग और इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ द पीपल ऑफ योर सराउंडिंग। आई विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।